गाइज गुड मॉर्निंग हर माता जय श्री राम तो आज है आपका मतलब तो सब संडे और संडे के दिन मतलब तो ये है हमारा मॉर्निंग मैंने पहले अपना जो पानी टीम पी लिया था अब उसको एक घंटा हो गया मैंने लिए दो ब्रेड स्लाइस और चाय क्योंकि आज हम इस ब्रेकफास्ट को करेंगे कल से हम एक अपनी जर्नी शुरू करेंगे जो आएगी हमारी फेसबुक पेज पे तो बस इसलिए मैं बैठी हुई और ये फ्री चाय और ब्रेड खाऊंगी और कल से हम अपनी शो करेंगे कल से तो देंगे। और तुम्हारा जो फेसबुक पेज है उस पर हम जर्नी अपनी पूरी डालेंगे थैंक यू लाइट जलाई पूरी जर्नी को शेयर करेंगे कल मैं अपना आपके साथ कल मतलब परसों से बोना शुरू करेगा क्योंकि एक दिन की

तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती हूँ तो क्योंकि आज और बेड पे बे चल रहा है जी और उसके बाद में आपसे मिलते हैं तो आज खाएंगे अच्छा अच्छा कुछ क्योंकि फिर उसके बाद कहीं टाइम तक रुक खाएंगे फ्रेंड्स मैंने मुंह हाथ धो लिया और कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और ये बैठी मेरी जोनू ये थोड़ी सी टेंशन में आज ना इसको कुछ लाइनिंग आ गई खा गई ये पर्दा करता आएगा इस ये देखो नहीं होगा सही दिखेगा अब दिखा देख क्लियर दिख रहा तो फ्रेंड्स देखो अभी जोनू बैठा गुण गुण है थोड़ा सा टेंशन में पापा का भी आ, काट लिया इसने पापा को भी काट चुका मम्मी बोलते थे ना नहीं इनको बात तो करेगा नहीं करेगा नहीं वो पहले भाग गई ओए बिली ये देखो ये मस्के लगाए जा रही खरा मुझे लेके चल मेरे बिस्कुट खत्म हो रहे सब लोग अभी बैठे हैं और जोनों के मैंने दिखाई थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि सभी आज कुछ अटेंड काम से रहना जा रहा है तो उसको तो बहुत तो टेंशन आई हुई है और आज बस बदतमीज स्ट्रक्चर वाले यहाँ से निकल रहे हैं जो भागे हुए जा रहे हैं भागे जा रहे हैं अब हाँ ये तेरे मौसम से गाली खाने के चला आज अभी रवि से एक बार और ये सारे <laughs> क्या ऊपर देखते चलेंगे तो तो मैं मैं यार तो हम खाएंगे छोले भटूरे और हो जाएंगे पटूरे, पटूरे। तो अभी देखो रवि और जा रहे हैं तो बाकी कुछ, -कुछ क्लिप्स मैं आशीष से मंगाऊंगी आशी मुझे क्लिप्स लेके भेज रहा जब जाओगे तो मैं इसी ब्लॉग में ऐड कर दूंगी अगर इन्होंने भेजी तो ऐड कर दूंगी भेज दूंगा बात और अभी चाय बन रही है मैं पीऊंगी चाय और आज मेरी कमर में बहुत ज्यादा पेन है अभी दोपहर हो चुके है और यहाँ रवि खा रहा है खाना और खाने में ये खा रहा है थो 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 थो। भटूरे नहीं खा रहा है कुछ। ये कुल्च वो खा रहा है नान और छोले क्योंकि ये बटूरे नहीं खाता और इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं लगता हम लोग भटूरे खाएंगे फिर ये लोग जाएंगे निकलेंगे और शायद कर लिया परसों वापस आएंगे बस और जो ना मेरा टेंशन में कि क्या हुआ है किधर जा रहे क्यों पैक कर रहे हैं हाँ।, हाँ। पहले काना जी का निकाल लियो अरे इसमें से नहीं निकाल सकते। अरे तो छोले तो निकाले मैंने पहले अलग तो हाँ भी शाम का समय हो गया और मैं सबके लिए बना रही हूँ चाय क्योंकि रवि और आशीष जा चुके हैं हरियाणा गाँव तो क्योंकि जो मेरे ब्लॉग पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा मेरे इन लॉज हरियाणा में रहते हैं तो वो वहां हैं अपना कुछ रवि को खेत का, का काम था इसलिए यार ये मेरा गुगरू हो गया नाराज अभी बैठी हूँ अभी मैं चाय बना क्या सॉरी तो और मैं अब आपसे चाय बना मिलती मिलती मैं चाय बना कर आ गई और चाय बनाई आज मैंने बहुत दिनों बाद हाथों की ये रही, चाय। ये रही ब्रेड ये ब्रेड बहुत अच्छी लगती है ये रही और मेरे तो बस इनकी मस्ती चल रही है सीढ़ी के अलग खराब हो जाती है मैं आ गई हूँ छत पे जॉनों को लेके क्योंकि जॉनु थोड़ा सा उदास है तो हम जॉनों के साथ कैसे खेलेंगे इसके साथ अभी ये चेंज कर दिया आज अभी तो देखें गुड बॉय गुड बॉय अच्छा आप कैच करके दिखाओ यहां आपने शुशु कर दी इधर आओ फिर थोड़े इधर ठीक ऊ लगा दी Oh, <laughs> साथ खेलना पड़ेगा क्योंकि जोन हो रखा है परेशान ना ही नहीं है काटने वाटने की नहीं है क्योंकि जॉन थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि आज से किसे कभी ऐसे छोड़ के रवि <laughs> देखो मतलब एक जना तो घर में होना चाहिए था पर ये दोनों ही नहीं है तो इसलिए थोड़ा परेशान है क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं जब से आया आठ महीने का हो गया इस बच्चे को कुछ कहीं जाता ही नहीं है गधेड़े को साथ लेके जाता तो एक रवि कुछ ऐसे काम से गया क्योंकि उसको दस जगह नहीं जाना पड़ेगा और ये वहाँ पे तो रुकने वाला है नहीं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला क्योंकि ये उनसे पहली बार मिलेगा तो ये अनजान लोगों पर तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता और अनजान लोगों के मामले में हम इस गधेड़े पे ट्रस्ट नहीं करते कि कभी किसी को काट ले एक्शन कैसे हो रखे एक बात बताओ तुमने वहां पोटी कर दिया सुसू कर दी ये साफ कौन करेगा अच्छा ठीक है ठीक है मैं कर दूंगी मैं कहूंगा ना जेब में कुछ नहीं है कुछ नहीं है जाओ अब ये देखना भागा भागा आएगा अभी पापा कहें तेरा पापा कहा रही करेगा पर ये जब अभी रात होगी ना फिर इसको फील होगा कि कहीं गए हैं और देखो कितना प्यारा व्यू आता है छत से शाम के समय भी, भी। अभी छः बज रहे हैं और दिन बहुत लंबे हो गए पर हमारे पहाड़ों में ना लौट के ठंड हो गई है मुझे ठंड लग रही है बट मैं टी शर्ट इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा गर्म कपड़े से एलर्जी हो जाती है तो मैं इसलिए ऐसे कपड़े पहन करती हूँ कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना फिर मैं पहनती हूँ फिर उतार देती हूँ मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं पहन पाती तो अभी देखो ये मेरी सोनी सुंदरी मंत्री और ये अमेजिंग फोलेनाथ जी सामने बैठे हैं क्योंकि तो सामने यहाँ नीलकंठ महादेव है तो यहीं से हम बाबा के दर्शन रोज कर पाते हैं और आप लोग भी हमारी वीडियो के माध्यम से डेली दर्शन कर सकते हैं पर डेली में छत पे नहीं आती हूँ आज आगे तो आज हमने अपना शेड्यूल जो है बना लिया है बट शेड्यूल चलेगा कब जब आशी वापस आएगा क्योंकि उसको पूरा एक्सरसाइज का नॉलेज है एक्सरसाइज वही करा पाएगा मैं नहीं करा पाऊँ मैं करा पाऊँगी तो खुद से नहीं कर पाऊँगी तो ए गंदी बात कर रहे हो ये क्या चीज़ है, है क्या चीज़ है ये देखो हेलो ओ लड़के ये देखो देखो आपका बच्चा भी इतना गलता है ऐसे करता है तो अभी मैं ना आपको यहाँ से सनसेट दिखाती हूँ बहुत प्यारा व्यू आता है हमारी छत सेट तो देखो हो चुका है पर व्यू यहाँ से ना बहुत प्यारा आता है ये बच्चा इतना बदतमीज है देखो कैसे करेगा ये बोलो नो है बोंदल हाँ भाई थोड़ी ट्रेनिंग ले रहा है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग ना हमने थोड़ा सा लेट शुरू करी है मेरे पास एक पहले का रॉबिन वो काफी ट्रेंड हो गया था ये थोड़ा लाड प्यार में ज्यादा बिगड़ा हुआ है क्योंकि ये वो ना मेरे पास गुड़गांव था और ये यहाँ ये बच्चा यहाँ पे सबके बीच में ना इसलिए बिगड़ा हुआ है और बस मैं बैठी हूँ अभी और पहाड़ों के नज़ारे ले रही हूँ क्योंकि मन ना मेरा भी नहीं लगता तो होती है ना बोलने की फिर मन बिल्कुल नहीं लगता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं चली जाती बट मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि तो एक मेरे थोड़ी सी तबीयत आज ठीक नहीं है दूसरा ये बहुत लॉन्ग रूट में परेशान हो जाता वैसे तो ऐसे तीन से चार घंटे लगते फिर तो इसको अलग जगह अच्छी नहीं लगती तो वजह सही है तभी इस बेचारे को ना ऐसा लग रहा है कि वो भी आ जाएंगे तो बार बार देखने जा रहा है और इसके बिस्किट खत्म हो गए थे तो रवैया पहले वो या रही। पापा गए और इसकी बिस्किट ला क्योंकि मेरा बाबू दास हो गया था सोना अच्छा ऐसे ये ऐसे सोचेगा कुछ खाने को दे रही मम्मा ये जर्नी के बारे में बता रही थी मैं तो इसको देख के ना हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी जगहों से <laughs> तो मैं कह रही थी कहाँ थी मैं हाँ आशी कराएगा हमें मुझे एक्सरसाइज तो मैंने पूरा शेड्यूल बना दिया है कल मंडे है वैसे भी मेरा फास्ट रहेगा और बस फिर आएगा फिर हम कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग वॉक वगैरह सब कुछ और क्योंकि इसको गधेड़े को अकेले जाने का अब मैं नहीं ले सकती क्योंकि अब ये पता गया और तो से लड़ने जाता है पहले ये नहीं लड़ता था पहले ये बहुत शरीफ बच्चा होया करता था एक टाइम में ये ये दिख रहा है ना बच्चा बहुत शरीफ ये बच्चा बहुत शरीफ था और अभी ऐसा हो गया कि ये अपनी बड़ी दीदी को भी छोड़ता है उसे भी काट लेता है कि तुम छत पे क्यों आई हो देखो कैसे ले जाएगा गंदी हरकत मत कर वो मारेगी तेरे को मतलब उसको उससे आगे बढ़ने ही नहीं देगा अभी चलो

वो नहीं खेल रही ना मैं दिखाती ये देखो। ये, देखो। ये देखो ये गंदी हरकत आई मारेगी वो नो मारे मार थप्पड़ ये देखो ये इसका ना पट्टा पकड़ लेता है और इसको ऐसे ही ले जाता है और जो इसे गुस्सा आएगा मारेगी इसको फिर नहीं रहने दो इसके साथ बहुत ज्यादा खेलती थी और अब ऐसी होगी मन नहीं खेला नहीं जाती क्योंकि ना, बड़ा रहा ना उसको यूं लटका, लटका और एक दिन तो उसने उस तो तो ओए, ओए, क्या था तो गाइस मैं बताऊ इसकी हरकत यहां से गद्दे से टप के इधर जा रहा था और ये नीचे गैलरी में गिर सकता था तो नीचे हम हाइट पे खड़े है इस टाइम ये देखो ये कहाँ गिरता जाके भाई तू मरवाएगा क्या मेरे को तेरा बाप खा जाएगा मेरे को हाँ कि ऐसे कैसे छोड़ दिया था ये गदड़ा जब पता था हरकत खराब है इसकी दे 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 तो ये मेरे को अगर ये गिर जाता तो गिरता भी फस जाता ये बहुत बुरा वाला अरे ऐसा कोई है भी नहीं जो इसे निकाल पाता मेरे तो उसने हार्ट अटैक दे दिया था कसम से छत तो से कूदने वाला था देखो हरकत फिर भी अभी ऐसी कर रहा बहुत रिस्की बंदा है भाई ये तो अभी भी देखो वहीं देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ इधर आओ को छत से पे छोड़ने से पहले मैं ये गद्दा ही हटा दूंगी गधेड़े को कुछ जाता भी टेंशन दे देता है ना पिद्दी कितना पागल है मेरी पिदी का कंपैरिजन करता ही है मुझे कुछ खुद को कुछ नहीं पता है, है ना है ना फिर है बाबू ना डब्बो सीधा ये बस पूरा दिन सोता है खाता है फिर सोता है फिर एक बिल्ली आती है उससे इसकी लड़ाई होती है और इसे कुछ नहीं आता तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलूंगी कल नए ब्लॉग में नए दिन नई शुरुआत के साथ और आज मिनी ब्लॉग नहीं आने वाला है छोटा सा छोटा सा वीडियो आने वाला है जो मैं अभी डाल दूंगी मतलब रात में डाल दूंगी ये वाला ब्लॉग कल आ है तो मिलते हैं दोबारा पेज को फॉलो ज़रूर करना है शेयर जरूर करना है ब्लॉग को और ऐसे ही मिलते रहना ना डेली डेली नई वीडियोस नए दिन नई शुरुआत के साथ आप हमें ना कमेंट जरूर क्या करो कि आप हमें कौन सी सिटी से देख रहे हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है।